हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे आप सब? स्वागत है आपका अपना चैनल में। तो फ्रेंड देखिए, आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम हुआ है। काफ़ी दिनों से इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। तो सुबह से आज तो मौसम सही है। सुबह से नहीं फ्रेंड, कल शाम से है। कल शाम को इतनी अच्छी हवा चली थी और आज बारिश आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिखा रही हूँ, ये देखिए बारिश बारिश आ रहा। और मेरे यहाँ देखिए, यहाँ तक पानी लग जाती है, उधर भी लगी है, उधर देखिए। ये इधर का ढलान है ना, तो इसीलिए इधर आ जाती है पानी। और ये देखिए शिवम को, तो देखिए। हेलो बाय बोलो, हाय हाय बोलो। हेलो बोलो, हेलो बोल दो। आ जाइए पकौड़े खाने के लिए फ्रेंड, आ जाइए फ्रेंड। शिवम के हाथ के पकोड़े खा लीजिए। इसको ना आलू के पकोड़े बहुत पसंद है। देखिए ऐसे ही बनाता है, यहाँ पे भी इतना, देखिए इतना काट के रखा है। और यहाँ पर प्याज देखिए, प्याज मिक्सर काट के रखा है। और मैं देखिए फ्रेंड अपने लिए क्या रखती हूँ, ये नारियल। मैं एक दिन लाई थी ना मार्केट से कच्चा नारियल, तो मुझे ना कच्चा नारियल बहुत पसंद है, और वो जो पानी वाला नारियल होता है वो भी बहुत पसंद है। तो वो तो इस समय नहीं मिलता है, मिलता है पर थोड़ा महंगा मिलता है। कभी कभार सही मिल जाता है, 20 रुपये के 25 रुपये के मिल जाता है। तो मैं पानी वाला नारियल नहीं मिला है, तो देखिए कौन सा लाई, सूखी नारियल जो होता है ना उसको। और मैं देखिए कैसे करती हूँ, पानी में भिगो के रखती हूँ। ये जैसे फूल जाता है ना, देखिए ये फूल जाएगा ना, जैसे सॉफ्ट हो जाएगा ना थोड़ा, तो खाने में अच्छा लगता है। इसीलिए इसको भिगो कर रख दी हूँ, 6-7 घंटा के बाद खाऊँगी। यानी कि अभी बज रहा है 1:30 बज रहा है, इसको खाऊँगी। मैं भिगो कर रखी थी 11 बजे, और इसको 4 या 5 बजे तक खा लूँगी, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ कुछ पकौड़े बन रहे हैं, और आप लोग भी आ जाइए खाने। अब मैं जा रही हूँ चाय बना दूँ। अभी मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, पर आज पीऊँगी, मुझे पकौड़े चाय खाना है। मेरे घर का लाइट भी कट गया है। ये कहिए कि आज मौसम ठंडा है तो अच्छा लग रहा है, मौसम गर्मी नहीं हो रही है। और यहाँ पे शिवम बुलाया था, तो ये बंदूता पीता है ना, तो थोड़ा सा भी दूध में मलाई आ जाएगा, घी जैसा दिखता है ना, तो नहीं पीता। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है, तो ये नहीं पिएगा, बोलता है मुझे घी पसंद नहीं है। मुझे भी घी पसंद नहीं है, मैं भी घी नहीं खाती। मेरे जैसा ये भी हो गया, अपने पापा के जैसा नहीं हुआ मेरे जैसा। इसके पापा को तो घी पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, इसको भी नहीं पसंद है। तो फ्रेंड मैं चाय रख दूँ बनने के लिए, तो मोबाइल पर रख दे रही हूँ यहाँ पे कैमरे के सामने बेलन आ गया था, तो मैं चाय रखने जा रही हूँ। फिर इधर भी बारिश आ रही है, पता नहीं किस दीवार पर, शीशा कांच है ना, कांच को पकड़ के आ रहा है बारिश। सही हो जा, पानी दीजिए, पानी निकलना निकाली लो खाली। ये राम जी, ये देखना दूध मेरा, ये दूध में डूब गया। इसको धो लो, बारिश धीरे धीरे आ रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, अब फिर से शुरू हो गया बारिश। चाय बनाने वाला वो क्या करूँगा आपको थोड़ा, अच्छा इसमें तो भिगो के रखा है। तो बना ये इतना दूध जो बचा है, इसको हॉर्लिक्स पी लो, ये ना नहीं पिएगा, इसको थोड़ा सा भी मलाई या घी आ जाएगा तो नहीं पीता है। इसको ऐसा ही ना, जल्दी करो, इतना ही पानी नहीं डालेंगे, ये देना
थोड़ा सा पानी डालना है। तो फ्रेंड चाय और पकोड़े बन जाएंगे तो आप लोग से मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड चाय बन चुकी है, ये शिवम के लिए, ये मेरा है, मैं थोड़ा सा चाय पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। और प्याज के पकौड़े भी बन चुके हैं और इतना और बचा हुआ है। चाय पकौड़े बन चुके हैं, सारे पकौड़े बन चुके हैं और मैं ये लेके जा रही हूँ। इधर आना बाबू, और अपना चाय पकौड़ा देखिए कैसे पकड़ के लेके जा रही है, डर लग रहा है गिरेगा। शिवम अपना लेके चला गया ले। तो मेरे घर में लाइट भी नहीं है, कट गया पता ना क्यों, सबके रूम में है मेरा ही नहीं है। तो फ्रेंड आ जाइए, आप लोग भी पकौड़े खा लीजिए और चाय पी लीजिए। और शिवम तो शुरू कर दिया है खाना। मैं प्याज के पकौड़े खाऊंगी, मुझे प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है। तो फ्रेंड मैं चाय पकौड़े पी ली, चाय भी पकौड़े खा ली, अब जा रही हूँ बर्तन धो लूँ। ये सब खाने में तो अच्छा लगता है पर बर्तन हो जाता है तो, और ज़्यादा बर्तन नहीं है। देखिए फ्रेंड ज़्यादा बर्तन नहीं है, एक थाली है, कटोरा दो और कप दो, और थाली कटोरा बर्तन धो लूँगी। और सिंक भी मैं साथ के साथ धो लेती हूँ, क्योंकि सिंक साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए फ्रेंड बर्तन धोया गया है और सिंक को भी ऐसे मंच के धो लूँगी। देखिए कितना साफ़ सुथरा लग, ऐसे साफ़ रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा इधर पानी गिरा था, इसको भी साफ़ कर दी। तो फ्रेंड मैं बर्तन भी धो ली और सिंक भी साफ़ कर दी, क्योंकि सिंक साफ़ हो जाता है ना ऐसे में देखने में अच्छा लगता है। गंदा रहता है, कुछ भी गंदा रहता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं साथ के साथ सिंक और जो खाना बनाती है ये इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और गैस भी साफ़ हो गया है, गैस को भी साफ़ कर दी हूँ, गैस को भी साफ़ कर दी हूँ फ्रेंड। तो आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड। और प्लीज़ आप लोग मेरा हेल्प कीजिए फ्रेंड, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत स्लो चलता है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग का हेल्प की ज़रूरत है मुझे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं कल वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।